jungle. नमस्कार फार्मर भाइयों, मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन बिग फार्मिंग जुंडला नरुखेड़ी रोड डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में। फार्मर भाई, आज सुबह ही मेरे फार्म पर एक डिलीवरी हुई है जिसने कि 8 पिगलेट्स को जन्म दिया है। सभी के सभी पिगलेट स्वस्थ है, अपनी मदर का दूध पी रहे हैं, कैलोस्ट्रोम ले रहे हैं और रेस्ट कर रहे हैं। दूसरी लाइव डिलीवरी अभी कंटिन्यू चल रही है, उसी डिलीवरी को कराने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। डिलीवरी कराते वक्त किन किन बातों की हमें सावधानियाँ रखनी है, क्या क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जिसके द्वारा हम एक सेफ डिलीवरी करा सकें, कैसे बच्चों को बर्थ लेने के बाद उनकी सफाई करनी है, कैसे उनका नाड़वा काटने में किन किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना है, एक एक प्रोसेस आपको पूरी डिलीवरी के दौरान दिखाएंगे, किस प्रकार से आपने पिगलेट्स को सेफ रखना है ताकि वो अपनी मदर के नीचे ना दब जाए, और कोई अगर पुअर पिगलेट है, कोई कमज़ोर पिगलेट है तो किस तरह से मदर का कैलोस्ट्रोम निकाल के, मदर का दूध निकाल के उसको पिलाना है ताकि वो अपनी लाइफ में सर्वाइव कर पाए और आपके फार्म पर ज़्यादा से ज़्यादा पिगलेट्स बर्थ ले सकें। तो चलिए दोस्तों, आपको लाइव डिलीवरी दिखाते हैं किस प्रकार से डिलीवरी कराते हैं। तो डिलीवरी कराते वक्त हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। आपके पास पूरा मेडिसिन बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर सीजर वगैरह, टीथ कटर, आयरन शॉट, निडल्स वगैरह सारी चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। आल्सो थर्मामीटर, साथ में बीटाडीन सोल्यूशन होना चाहिए ताकि जब आप नाड़वा काटे बीटाडीन के सोल्यूशन में उनके नाड़ों को डुबा सके ताकि उनके अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो। दोस्तों, ये मादा 7 बच्चों को जन्म दे चुके हैं और अभी भी डिलीवरी चालू है। अभी आप देखेंगे बिल्कुल लाइव बर्थ ऑफ ए पिगलेट। पिगलेट के जन्म के पश्चात आप एक सूती और साफ़ कपड़े से उसकी स्किन को अच्छी तरह से साफ़ कीजिए, उसके मुंह को साफ़ कीजिए उंगली डालकर अच्छी तरह से, ताकि उसके मुंह में जो लार और एक तरह की झिल्ली इसके मुंह में फंसी हुई होती है उसको साफ़ करने के पश्चात ही अच्छी तरह से सांस ले सके। और अच्छी तरह से सफाई करने के पश्चात आप इसके नाड़वे को काट सकते हैं। नाड़वा काटने के लिए आप स्टेलाइज सीजर का यूज़ करें जिसको कि अच्छी तरह से स्टेलाइज किया गया हो, और इसके पश्चात इसको जो बीटाडीन सॉल्यूशन होता है उसके अंदर आप डिप कराइए ताकि कोई भी इसको इन्फेक्शन ना हो। इस तरह से आप पिगलेट का सूंडवा काट सकते हैं। इसके पश्चात आप इसकी सफाई करने के पश्चात इसको मदर के टिट्स पर दोबारा लगा दीजिए ताकि ये मदर्स का कोलेस्ट्रॉल पीस। तो भाइयों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 7 बच्चे सभी हस्ट और पुष्ट हैं। इनमें से 2 बच्चे कुछ कमज़ोर हैं जो कि अच्छी तरह से मदर का दूध नहीं पी पा रहे हैं, तो हम मदर के टिट्स में से दूध निकाल के उसका कोलेस्ट्रॉल निकाल के इन बच्चों को पिलाएंगे ताकि ये अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सकें, अपनी लाइफ सर्कल को आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों, ये पूरा प्रोसीजर अभी आपको दिखाएंगे। फार्मर भाइयों, दोस्तों, किसी भी न्यूबॉर्न पिगलेट के लिए कोलेस्ट्रॉम उतना ही आवश्यक है जितने कि अदर पिगलेट के लिए उसका फीड आवश्यक होता है। कोलेस्ट्रॉम बच्चों को निरोग बनाने में उसकी सहायता करता है, उनकी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। सिरिंज की सहायता से आप कोलेस्ट्रॉम को फर्स्ट मिल्क को आप सिरिंज में ले लीजिए और उसके बाद इस कोलेस्ट्रॉम को आप एकदम पूरा ना पिलाए, थोड़ा थोड़ा करके आधा आधा ml करके इसको 2 या 3 मिनट में थोड़ा थोड़ा पिलाते रहे, और जब 1-2 घंटा हो जाए उसके बाद फिर से इसको कम से कम 1 या 2 दिन तक पिलाते रहे जब तक ये खुद पीने लायक ना हो जाए। कोलेस्ट्रॉम किसी भी बच्चे के लिए बेहद आवश्यक है, ये बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके बूंद बूंद करके आप जो आपके पुअर पिगलेट है उनको पिलाइए और वो अच्छी तरह से सर्वाइव करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये देखिए कोलेस्ट्रॉम बच्चे के मुंह से थोड़ा सा बाहर भी आ रहा है। इस तरह से आप अपने कमज़ोर बच्चों को भी बचा सकते हैं और अपने फार्म को फायदे की तरफ लेके जा सकते हैं। आपका बर्थ रेट इससे बढ़ेगा और आपका लीटर साइज भी इससे बढ़ता रहेगा। अगर कोई बच्चा दूध नहीं पी पा रहा, माँ का कोलेस्ट्रॉम नहीं ले पा रहा है, तो कम से कम उसको दिन में 3 से 4 बार इसी तरह से फीडिंग कराए और आप खुद देखेंगे कि 24 से 48 घंटे बाद बच्चा खुद मदर की फीडिंग लेना शुरू। मेरे फार्म पर 2 डिलीवरी हुई है, एक सुबह मॉर्निंग में हुई है जिसने कि 8 बच्चों को जन्म दिया है, और ये सेकेंड डिलीवरी है इसमें कि
9 बच्चे अभी तक आ चुके हैं और डिलीवरी कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिलीवरी करते वक्त आपका होना अति आवश्यक है। कई बार फीमेल एग्रेसिव हो जाती है, बच्चों को काट लेती है, बच्चों की मोरलिटी हो जाती है, या फिर उसके नीचे दब के भी बच्चे मर सकते हैं। इसलिए जब भी डिलीवरी हो, कोशिश करें कि आप वहीं पर अवेलेबल हो, समय पर उनकी सफाई करें, समय पर उनका नाड़वा काटें और अपने फार्म को तरक्की की। इस तरह से आप सेफ़ डिलीवरी ले सकते हैं। जब भी आपकी मादा डिलीवरी के लिए तैयार हो, आप उसके आसपास ही रहें, क्योंकि कई बार फीमेल्स का नेचर अग्रेसिव हो जाता है, वो अपने ही बच्चों को काट लेती है और आपके फार्म पे मोर्टिलिटी रेट हाई हो सकता है। कई बार मदर के नीचे दब के भी बच्चों की मोर्टिलिटी हो जाती है। अगर आप पास में होंगे तो आप अपने बच्चों को बचा पाएंगे और आपका फार्म तरक्की की राह पर बढ़ता चले जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।